हेलो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज मेरे दिमाग में एक कमाल की आइडिया है। हम लोग साबुन का यूज करते हैं नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, यानी नहाने धोने के लिए ही साबुन का यूज करते हैं। लेकिन आज हम इस साबुन को ना तो इससे कुछ धोने वाले ना तो नहाने वाले, इसका हम लोग इसको उबालने वाले। पहले इसको गर्म बर्तन पर रखेंगे और फिर देखते हैं कि ये पिघलता है या फिर क्या होता है। उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको उबालते हैं, फिर देखते हैं उबालने के बाद इसमें क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आवश्यकता होगी गैस की और एक बर्तन की। तो हम गैस को चालू कर दिए हैं, अब इसमें साबुन डालते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग साबुन को डाल चुके हैं और अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यार, आप देख सकते हैं ये पिघल रहा है। ये साबुन पिघल चुका है, अब देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं साबुन किस तरह से पिघल रहा है और इसमें से अजीब अजीब स्माइल आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। तब इसमें हम पानी डालना शुरू करते हैं। अब इससे झाग निकलेगा और फिर जो झाग उबलेगा वह किस तरह से होता है। यार, ये तो खतरनाक स्माइल दे रहा है। तो भाई, पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद देखिए साबुन का क्या हाल हुआ उबल कर। ये साबुन तो पूरी तरह से गल चुका है। ये साबुन थोड़ा टाइट है और ये थोड़ा टाइट है, बाकी इसका तो पूरा बुरा हाल हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो भाई, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं जो कपड़ा धोने वाला साबुन था वो पूरी तरह से इसमें घुल चुका है। और ये साबुन लेकिन अभी तक टाइट ही टाइट है। ये बर्तन धोने वाला साबुन जो है अभी तक ये टाइट ही है। और ये थोड़ा बहुत गल चुका है ये भी, लेकिन जो कपड़ा धोने वाला साबुन था ये पूरी तरह से पिघल चुका है और इसका सॉल्यूशन बन चुका है। तो ये था आपका फाइनल रिजल्ट कि जब हम साबुन को
उबालते हैं या आप गर्म बर्तन पर रखते उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट था। तो दोस्तों पूरे आधा घंटा के बाद आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हुआ है। जब ये ठंडा हुआ, पूरे आधा घंटा ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये किस तरह का घोल बन चुका है। यार ये तो बहुत कमाल का चीज़ बन गया। अब देख सकते हैं इसको, ये क्या बन गया यार। ये तो अभी भी टाइट है, अभी भी ये सही सलामत है। इसको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यार ये क्या बना, अब देख सकते हैं ये क्या सॉल्यूशन बना यार। तो आप देखिए कि जब हम साबुन को इस तरह का उबालते हैं साबुन को और फिर उसको ठंडा होने देते हैं तो फिर ये किस चीज़ का ये सॉल्यूशन है। अब देख सकते हैं कैसा घोल बन चुका है, अजीब तरह का दिखने में लग रहा है। यार ये तो कमाल का चीज़ है। ये साबुन पूरी तरह से टाइट है। हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज भर इतना ही। तो भाई आपने देखा कि जब हम साबुन को गर्म बर्तन पर रखते हैं उसको गर्म करते हैं तो किस तरह से पिघलता है, और जब उसमें पानी डाल करके उबालते हैं तो वह किस तरह से उबलता है आपने अभी देखा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपका छोटा भाई का चैनल है, आप अपने छोटे भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ एक खास बात, अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही आइडिया आते रहते हैं और आप करने में सक्षम नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका भाई उसे करने के लिए तैयार है। आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और कुछ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आप जो आइडिया देंगे हम उसको 100% करने की कोशिश करेंगे। तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और अपने आइडिया को शेयर कीजिए।